तो भाई नेटफ्लिक्स का त्रिवेणी इवेंट अब आ चुका है और उसमें काफ़ी ज़्यादा मूवीज़ और सीरीज़ के हमको अपडेट मिले हैं और काफ़ी ज़्यादा रिलीज हमको देखने को मिलने वाली हैं। तो क्या अपडेट है और क्या क्या चीज़ें आने वाली हैं आज मैं तुमको बताने वाला हूँ। तो चलो सबके बारे में बात कर लेते हैं और वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बर्लिन की सीरीज़ की बात करें जिसमें हमको एक स्टोरी दिखाई दे रही है जहाँ पर हमको एक चोरी दिखाई दे रही है। एक दिन में 44 मिलियन डॉलर की चोरी करनी है और जिसके यहाँ चोरी करनी है ना उसके वाइफ के साथ यार अपने बर्लिन का चक्कर चल रहा होता है। स्क्विड गेम के नए सीजन की जो कास्ट है उसके भी अनाउंसमेंट हो चुकी है जिसमें हमको ट्रेन टू बुसान वाले एक्टर गोंगसू भी देखने को मिलने वाले हैं। जिसके बाद अपनी फेवरेट यार जिसका इंतजार था गैल गैडोट की नई मूवी आने वाली है हार्ट ऑफ स्टोन जिसमें हमको आलिया भट्ट भी देखने को मिलने वाली है। इसमें हमको एक ऑर्गेनाइजेशन दिखाई गई है जो कि वर्ल्ड पीस के लिए काम करता है। उन लोगों को एक हार्ट तक पहुँचना है जो कि एक काफ़ी पावरफुल कंप्यूटर है और ऐसा हमको काफ़ी ज़्यादा मूवीज में देखने को मिलने वाला है। लेकिन इसमें बेस्ट पार्ट है गैल गैडोट जिनके लिए यार मैं इस मूवी को देखूंगा ज़रूर। जिसके बाद हमको वन पीस का लाइव एक्शन देखने को मिला है जिसके बारे में मैं तो ज़्यादा जानता नहीं क्योंकि मैंने इसकी एनिमे देखी नहीं है और इतनी बड़ी एनिमे देखने का मेरे पास टाइम भी नहीं है। वैसे भी मैंने नारुतो देख लिया था गलती से यार, उसको देखते देखते मेरा हालत ख़राब हो चुका था तो मैं नहीं देख पाऊँगा यार। बाकी जिसके बाद अपने फेवरेट जैक स्नाइडर की रिबेल मून का भी टीजर देखने को हमको मिला छोटा सा जिसके बिहाइंड सीन और थोड़े से क्लिप हमको देखने को मिले जिसको देख के यार मज़ा आ रहा था। पूरा एक्शन वाला फील जो देखने को मिल रहा था ना यार, देख एकदम से गूज़बम्स ही आ जा रहे थे। जिसके बाद अगर यू सीजन के बारे में आप फैमिलियर होना तो उसका भी सीजन का अनाउंसमेंट हो चुका है और ये सीजन पूरा फाइनल होने वाला है। और अगर आपने ये सीरीज देखी है तो आपको पता ही होगा इसमें कितने हार्ड हार्ड डायलॉग्स हैं और कितने डिटेल्स हैं ना, और ये काफ़ी लोगों की फेवरेट सीरीज भी है मैंने ऐसा सुना है। और यार इतनी अच्छी अच्छी बातें बता रहा हूँ यार तो सब्सक्राइब भी जरूर कर लेना। जिसके बाद हमको जो अख्तर की आर्चीज भी देखने को मिली जिसमें हमको सुहाना खान यानी शाहरुख खान की बेटी भी देखने को मिलने वाली है और मुझे ये ठीक ठाक सी लगी। तुम लोग अगर इसके बारे में जानते हो तो मुझे कमेंट में जरूर बताना। जिसके बाद हमको नेवर आई एवर का एक सीजन का असाइनमेंट देखने को मिला, बैक टू 15 का सीजन 2 और लव इज ब्लाइंड का सीजन 5 और भाई इलाइट का सीजन 7। यार इलाइट कब खत्म होगा यार। और बहुत ही हार्ड यानी टू हॉट टू हैंडल का सीजन 2 भी आने वाला है यार, एकदम मतलब क्रेजी चीज़ें हो रही हैं। सॉरी यार इसका सीजन 5 आने वाला है, मतलब यार इसको देखता कौन है यार, मुझे समझ में नहीं आता यार। बाकी बात करें हैंडी केवल यानी विचर भैया की तो उनका एक 3 मिनट का सीक्वेंस रिलीज़ किया गया जो कि काफ़ी बैडस लग रहा था और भी ज़्यादा एक्साइटमेंट भी लग रहा था। लेकिन दुख के साथ ये भी कहना पड़ रहा है कि हैंडी केवल का ये फाइनल सीजन है जो कि देखने में काफ़ी ज़्यादा इमोशनल होगा। जिसके बाद हमको वेनेसडे के काफ़ी सारे प्लॉट्स देखने को मिले और काफ़ी ज़्यादा लीक ह्यूमर्स सुनने को मिले कार्ड से जिनको सुनते हुए काफ़ी अच्छा लग रहा था। जिसके बाद हमको स्ट्रेंजर थिंग्स में एक नया मेंबर देखने को मिलने वाला है जो कि लिंडा हैमिल्टन है। अगर तुमने टर्मिनेटर देखी होगी तो उसमें लीड एक्ट्रेस लिंडा हैमिल्टन थी आर्नल्ड श्वार्ज़नेगर के साथ। और भाई जिसका हम सब लोग इंतजार करते हैं यानी कि एक्सट्रैक्शन 3 का ना यार, वो भी जल्द से जल्द आने वाली है यार। इतना जल्दी अभी तो मूवी आई थी, मतलब यार ये लोग ऐसे बोल रहे हैं कि तुम लोग देखो अभी बस तीसरा पार्ट बन के तैयारी होने वाला है। बाकी लगभग मैंने सारी चीज़ें कवर कर दी हैं। अगर तुमको ये वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक जरूर कर देना, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना और बहुत अच्छी लग जाए तो अपने दोस्तों में जरूर शेयर कर देना। तब तक के लिए बाय गाइस।